फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होली, उत्साह, उमंग, आनंद का दिन, वसंत ऋतु के स्वागत का दिन। लगभग हर एक हिंदू त्योहार की तरह होली के त्योहार पर भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, ताकि कथाओं के द्वारा हम सरलता से उनके मर्म को भी हमारे जीवन में उतार आगे की पीढ़ी तक पहुंचा हमारे संस्कार और भारतीय संस्कृति को भी जीवंत बनाए रखें। सदियों से चली आई होली के दिन पर होली का दहन करने की प्रथा क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक है? इस दिन से जुड़ी शिव पार्वती की कथा का समाज के लिए क्या संदेश है? रंगों के उत्सव के लिए यह दिन ही क्यों? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब शिवजी समाधि में लीन थे, तब माँ पार्वती की शिवजी से विवाह करने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार कर उनका ध्यान भंग किया और भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोल अपनी योगाग्नि से कामदेव को भस्म किया। इस कथा का स्मरण कर किया जाने वाला अग्नि दहन समाज को स्वयं की कामनाओं पर भी संयम रखने का संदेश देती है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस यानी आसुरी वृत्ति वाला भोगवादी, स्वार्थी और खुद को ही ईश्वर समझने वाले हिरण्यकश्यपु के संतान के रूप में एक हरि भक्त पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। नारायण भक्त प्रहलाद जब गर्भ में था, तब उनकी माता नारद जी के आश्रम में रही थी, जो भारतीय संस्कृति में विस्तृत गर्भ संस्कार के प्राधान्य का यथोचित उदाहरण है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी एक अभिमानी पिता अपने बालक पुत्र की नारायण पर अटूट अधिक निष्ठा को अंश मात्र भी निगाह नहीं पाए और अपने राज्य पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपने से विपरीत विचारधारा के दमन के सारे प्रयास शुरू किए। परंतु जब सब प्रयास विफल हुए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी ही बहन होलिका, जिसको एक ऐसा वरदान मिला था कि स्वयं अग्नि भी उसे जला नहीं पाएगी, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा अग्नि में जला देने का प्रयत्न किया। पर उस दिन लोगों ने घर घर अग्नि प्रदीप्त कर अग्निदेव से प्रहलाद को न जलाने की प्रार्थना की और होलिका भस्म हुई। छोटे से भक्त प्रहलाद को नारायण ने आंच भी न आने दी। आज आसुरी वृत्ति से भरे हुए समाज में ईश्वरीय वृत्ति, सद्वृत्ति वाले लोग भले ही संख्या में कम हो, पर वह अगर क्रियाशील होते हैं, तो ईश्वरीय छाया हमेशा से उनके सिर पर रहने के कारण आसुरी वृत्ति उनको छू तक नहीं पाती। समाज को क्रियाशील होने का ऐसा महत्वपूर्ण पवित्र संदेश होली का उत्सव देता है और इस सामाजिक संदेश को स्मरणों में बनाए रखने के लिए लोगों ने सामूहिक रूप से अग्नि पूजन करना आरंभ किया और लोगों द्वारा हर चौराहे पर होली का दहन कर अग्नि पूजन किया जाने लगा। पुराने काल में होली का दहन के लिए औषधीय लकड़ियां और अन्य ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, ताकि ऋतु चक्र के उस समय काल में जब अन्य जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का प्रभाव ज्यादा होता है, तब सामूहिक औषधीय अग्नि दहन कर वातावरण की शुद्धि भी की जा सके। होली के दिन आज भी भारत के कई प्रदेशों में पुरानी चीजों को जलाने की भी प्रथा है, जो हमें जीवन से पुराने नकारात्मक विचारों और स्मृतियों को जला मन को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। मन के अंधकारों को दूर कर जीवन में अग्नि प्रकाश फैलाने की प्रेरणा यानी होली का दहन। होली का दहन से उत्साहित लोगों ने दूसरे दिन रंगों का उत्सव मनाया और सब एक दूसरे का भेद मिटाकर एक दूसरे के रंग में रंग साथ मिलकर एक बने और हर वर्ष लोग प्राकृतिक सामग्री से विविध रंग गुलाल बनाकर और केसरी केसु के फूलों को उबालकर उसके सुगंधित रंगीन पानी से होली खेल धर्म की जीत का आनंद और प्रकृति में सृजन का आनंद यानी वसंत ऋतु के आगमन का उत्साह मनाने लगे। यह प्रथा आज भी भारत के कई प्रांतों में जीवंत है। वसंत ऋतु के आगमन के दौरान हमारा भी रंगों से रंग प्रकृति के साथ घुल मिल जा, हम भी इसी सृष्टि के एक छोटे से अंश मात्र ही है, वह स्मरण कराने वाला यह उत्सव होली वसंत के आनंद उत्सव में भी संयम की सीख देने वाला, समाज को सत्कार्य के लिए क्रियाशील होने और सामाजिक संघ शक्ति की महत्ता दर्शाने वाला, मन के अंधकार को दूर कर प्रकाश से नव जीवन प्रारंभ का संकल्प करने का संदेश देने वाला
और जीवन में रंग भर समाज को आपस के भेद मिटा एकजुट रहने की प्रेरणा देने वाला यह उत्सव होली